22 साल की उम्र में एक स्टूडेंट ने एक ऐसी चीज की शुरुआत करी जो आज हम सभी की जिंदगी में अहम हिस्सा बन गया है। मैं बात कर रही हूँ कोलगेट की। जी हाँ, 1806 में विलियम कोलगेट सिर्फ 22 साल के थे जब उन्हें टूथपेस्ट और सोप्स बनाने का आइडिया आया। उन्होंने इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से करी। उस समय सोप्स की काफी डिमांड थी और देखते ही देखते डिमांड इतनी बढ़ गई कि 1847 में उन्हें अपनी टूथपेस्ट और सोप्स की फैक्ट्री लगानी पड़ी। अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम हिमसेल्फ एंड हिज सन सेमियोन, कोलगेट देखते ही देखते एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई एंड इवेंचुअली द कंपनी डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स परफ्यूम एसेंस्ड सोप। धीरे धीरे कोलगेट ने सोप्स के बाद टूथ पाउडर, टूथ क्रीम, टूथपेस्ट इन ट्यूब्स, जी हाँ, ऐसा करने वाली कोलगेट सबसे पहली कंपनी थी। 1928 में कोलगेट का मर्जर हुआ। कंपनी का नाम था पामोलिव पीट कंपनी। पामोलिव पीट कंपनी सोप इंडस्ट्री में काफी जाना माना नाम था। लेकिन आखिर कोलगेट ने ये सब किया कैसे? इसका जवाब है मार्केटिंग। जी हाँ, बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कोलगेट ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व पर राज किया है। और कोलगेट इंडिया में कब आया? इंडिया में कोलगेट 1937 में आया था, लेकिन उस समय डाबर जैसी ब्रांड इंडिया में टूथपेस्ट का काफी अच्छा मार्केट सेल कर रहे थे। तो फिर कोलगेट ने इन चैलेंजेस को कैसे केटर किया? कोलगेट ने काफी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई, जैसे टेस्ट। इंडिया में बिकने वाले टूथपेस्ट में टेस्ट की काफी कमी थी, स्पेशली बच्चों में। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए कोलगेट ने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिनमें काफी अच्छा टेस्ट था। अगर आपने नोटिस किया हो तो इनिशियली कोलगेट ने मार्केट में काफी अलग अलग ऑफर्स निकाले थे, जैसे एक टूथपेस्ट पर एक ब्रश फ्री। ये ऑफर्स मार्केट में काफी ब्रिलियंट साबित हुए। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। कोलगेट ने बड़ी चालाकी से अपनी टारगेट ऑडियंस को अप्रोच किया। इन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाने के बजाय लोकल स्टोर्स और लोकल मॉल्स को अप्रोच किया और वहां अपना एडवर्टाइजमेंट आउटलेट लगाया, जिससे कि लोग वहां ज्यादा अट्रैक्ट हुए। चौथा है कंफर्ट प्रोडक्ट। इंडिया में लोगों की डिमांड थी सॉफ्ट ब्रशेस की, तभी कोलगेट ने लॉन्च किया सॉफ्ट ब्रिसल्स, वो भी एक नहीं काफी अलग अलग वेराइटीज में। अब बात करते हैं कोलगेट की सेल्स और मार्केट शेयर की। तो क्या आप जानते हैं कोलगेट की एनुअल सेल है $6 बिलियन, जिनमें से उनका प्रॉफिट जाता है $2.76 बिलियन और इनकी मार्केट शेयर वैल्यू है 50% से भी ज्यादा। तो बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एडवर्टाइजिंग ने कोलगेट को वन ऑफ द बेस्ट टूथपेस्ट ब्रांड्स बनाया है। तो ये थी कोलगेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो।